आईआईएमसी में भारतीय भाषा पत्रकारिता विभाग के मुखी डॉक्टर हेमंत जोशी सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं भाषा विज्ञान के विद्वान भी हैं। उत्तर प्रदेश में नैनीताल प्रोफेसर जोशी की जन्मभूमि है, पर उनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश रहा। वे बचपन से ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहे। प्रोफेसर जोशी की 11वीं तक की पढ़ाई एमपी की 12 अलग अलग जगहों पर हुई। पिता श्री प्रद्युम्न चंद्र जोशी बीएचयू से अंग्रेजी में एमए करने के बाद होलकर कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। बाद में वे मध्य प्रदेश में राजगढ़ में प्रिंसिपल बने। मां विद्या जोशी एक घरेलू महिला थीं, पर उन्होंने बच्चों को संस्कार खूब दिए। जहां से यादें मेरे पास हैं, मैंने अपने बचपन की पहली जो यादें मुझे हैं वो इंदौर की हैं, जो कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर था, और वहां पर हमारे पिताजी जो हैं होलकर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और वहां हम रहे। उसके कुछ दिनों बाद उनका तबादला हो गया विक्टोरिया कॉलेज, जो बाद में लक्ष्मीबाई महाविद्यालय कहलाया ग्वालियर में। वहाँ जब उनका तबादला हुआ तो हम वहाँ चले गए, और ग्वालियर में मेरी पहली जो स्मृति है वो पहला स्कूल मैंने वहाँ से किया, और वो था मॉन्टेसरी शिशु मंदिर, जो कि वहाँ के महाराज जो हैं वो अपने बच्चों के लिए चलाते थे। तो दोनों राजकुमारियाँ जो हैं हम लोगों के साथ पढ़ती थी, उनमें छोटी वाली जो राजकुमारी थी वो मेरी कक्षा में थी, जो बड़ी वाली राजकुमारी थी वो मेरे बड़े भाई की कक्षा में थी। और उसके बाद फिर पिताजी प्रिंसिपल बन गए कॉलेज के, और उनका तबादला पहली बार हुआ राजगढ़ ब्यावरा नाम की एक जगह है, वहाँ पर हम मैं पहली बार प्राथमिक विद्यालय में गया। और उसके बाद शाजापुर जब हम गए तो हमारी माताजी ने जो श्रम किया वो मुझे आज तक याद है, क्योंकि शाजापुर में एक रोग होता था पानी में जिसको नाड़ू रोग कहते थे, तो पाँव से कहीं से भी वो नाड़े सरीके कीड़ा निकलने लगता था। तो उससे बचाने के लिए हमारी माताजी जो है पहले पानी जो आता था उसमें फिल्टर फिटकरी लगा के उसको छानती थी, फिर उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट डालती थी, फिर उबालती थी, फिर उसको जो फिल्टर होते हैं 4 फिल्टर उनमें डाल के फिर हम लोगों को पिलाती थी। और इतना ही नहीं, नहाने धोने का पानी भी जो है वो बिना फिटकरी और पोटेशियम परमैंगनेट के इस्तेमाल नहीं होता था। और ये सारा काम जो उनके ऊपर बोझा अतिरिक्त आया उसको उन्होंने जिस मुस्तैदी से किया, उसके वजह से जो हमको लाभ हुआ वो ये कि हम जब शाजापुर से बाहर दूसरे शहर में गए तब तक हमें इसका इस रोग से हम कभी प्रभावित नहीं हुए। और इसके अलावा बहुत तरह के संस्कार हमारी माताजी हमको देती थी, क्योंकि पिताजी तो प्रिंसिपल बनने के बाद इतने व्यस्त हो गए कि उनको हमारे हम लोगों से बात करने तक की फुर्सत नहीं होती थी। तो सारा संस्कार जो है हमको अगर कुछ मिला तो वो माताजी से मिला। कहते हैं कुछ चीजें तकदीर तय करती हैं। प्रोफेसर जोशी के साथ भी यही हुआ। वे इंजीनियर बनते बनते पत्रकारिता के प्रोफेसर बन गए। पिता की इच्छा के मुताबिक 11वीं के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग में दाखिला तो लिया, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। वे ग्वालियर लौट आए और साप्ताहिक टेम्पो नामक एक टेबलॉयड निकालने लगे, लेकिन नौजवान हेमंत जोशी का चित्त वहां भी नहीं ठहरा। 2.5 साल काम करने के बाद उन्होंने फिर पढ़ाई का रुख किया, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय एमए फ्रेंच में दाखिला ले लिया। जब स्कूल के बाद मैं गया बीएचयू इंजीनियरिंग करने के लिए, वहाँ से मेरा मन जब नहीं लगा तो मैं लौट के आ गया, और हमारे पिताजी तैयार नहीं थे कि वो मुझे किसी भी मानविकी के विषय में आगे पढ़ाई करने का अनुमति दें। वो चाहते थे कि मैं विज्ञान करूँ। तो हम लोगों के बीच में एक थोड़ी संघर्ष की स्थिति भी थी, और मैं अपना समय जाया भी नहीं करना चाहता था। तो हम लोगों ने ग्वालियर में एक संगठन था हम लोगों का, जो फोटोग्राफर्स का संगठन था असली में। तो हम लोग वहाँ फोटोग्राफी मैंने सीखनी शुरू की, और प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी की, शादियों की फोटोग्राफी और कार्यक्रमों की फोटोग्राफी। और इसी कड़ी में फिर हम लोगों ने एक दिन विचार किया और हमने एक साप्ताहिक अखबार वहाँ से निकाला। वो दौर था, उसके तुरंत बाद जब मुझे फ्रेंच में एमए करने का एक अवसर मिला तो पिताजी ने उसको स्वीकार किया,
और मैं यहाँ JNU आया। JNU के माहौल ने प्रोफेसर जोशी के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने साहित्य, गांधीवाद और मार्क्सवाद खूब पढ़ा और समझा। MA के बाद उन्होंने JNU से ही फ्रांसीसी और हिंदी क्रियापदों पर PhD की। चूंकि प्रोफेसर जोशी हमेशा कुछ नया तलाशते रहते हैं, सो PhD पूरी होते होते वो एक नई विधा की खोज में जुट गए। यहीं से उनका IIMC में आना तय हुआ। JNU में जब मैं PhD कर रहा था और वो अपने अंतिम चरण में थी, तो स्वाभाविक है कि नौकरी की चिंता आदमी को होती, तो मैंने देखना शुरू किया। तो 3 जगह की नौकरियां मुझे उस समय दिखाई दी। एक तो JNU में थी और एक दिल्ली विश्वविद्यालय में थी, जो दोनों भाषा विज्ञान की थी, और तीसरी जो वैकेंसी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो IIMC में थी, हिंदी पत्रकारिता, पर उसमें भाषा पत्रकारिता लिखा था। साहित्य भी हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, कुछ और नया करना चाहिए, कुछ नए क्षेत्र तलाशने चाहिए, ये मेरी आदत थी। तो मुझे लगा कि IIMC एक अच्छी जगह होगी। 1989 में IIMC में लैंग्वेज जर्नलिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई। तब हेमंत जोशी JNU में थे। ऑल इंडिया रेडियो में अंशकालिक समाचार वाचक अनुवादक के तौर पर काम भी कर रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि IIMC में अप्लाई करने के लिए उनकी पात्रता है भी या नहीं। वे IIMC के पूर्व निदेशक हरीश चावला के पास गए, जो उनके पिता के मित्र भी थे। मैं सशंकित था, क्योंकि जो मेरी डिग्री थी उससे मैं यहाँ आ सकता हूँ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था। तो यहाँ के एक पूर्व डायरेक्टर थे, जो पहले DGB रहे दूरदर्शन के, चावला, हरीश चावला, वो हमारे पिताजी के मित्र थे। तो मैं उनसे मिलने गया, और मिलने का मकसद यही था कि मैं उनसे जान सकूं कि क्या मैं इस पद के योग्य हूं। प्रोफेसर हेमंत जोशी जब IIMC आए, तो कुछ नया करने की ललक ने उनका ध्यान कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ खींचा। उन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग से लेकर पेज मेकिंग तक यहीं सीखा और अपने छात्रों को सिखाया। फिर उन्हें IIMC में UGC का पहला टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का मौका मिला। विषय था यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मास कम्युनिकेशन टीचिंग। इस बीच प्रोफेसर जोशी का चयन 3 महीने के वीडियो जर्नलिज्म के प्रतिष्ठित कोर्स के लिए हो गया, जिसकी ट्रेनिंग के लिए वे हंगरी में बुडापेस्ट गए। मैंने दूरदर्शन में भी अप्लाई किया और दूरदर्शन में मेरा चयन हुआ संपादन के लिए। वहाँ भी समाचार संपादन किया, तो वीडियो के लिए लिखना वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ सीखी मैंने। और जब मैं यहाँ आया, उसके बाद मुझे एक अवसर मिला कि वीडियो पत्रकारिता सीखने के लिए बुडापेस्ट जाने का एक अवसर मुझे मिला, और उसका लाभ मैंने उठाया, और वो 3 महीने का पाठ्यक्रम था। अपने शोध और पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में प्रोफेसर हेमंत जोशी दुनिया के कई देशों में गए। अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वो सिंगापुर गए। वहां उनके शोध पत्र का विषय था भाषाई पत्रकारिता के लिए नई तकनीक का महत्व। उसके बाद वो लगातार इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मास मीडिया रिसर्च में सक्रिय हैं। 2002 में उन्हें IIMC में एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया। 2006 में प्रोफेसर जोशी जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पत्रकारिता के प्रोफेसर नियुक्त हुए, लेकिन प्रोफेसर जोशी का मन वहां नहीं लगा। 2008 में एक बार फिर वो IIMC आ गए। 2013 में IIMC में उन्हें प्रोफेसर बनाया गया। प्रोफेसर जोशी का लगाव बचपन से ही साहित्य से रहा। यह भी एक संयोग था कि जिस प्रख्यात साहित्यकार रघुवीर सहाय के वे दामाद बने, उनसे उनकी पहली मुलाकात नागपुर के प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हुई। श्री रघुवीर सहाय प्रोफेसर जोशी से इतने प्रभावित रहे कि अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान में उनकी रिपोर्टें, रंगमंच पर समीक्षाएं और कविताओं के अनुवाद भी प्रकाशित किए। 1984 में प्रोफेसर जोशी की शादी श्री रघुवीर सहाय की बेटी मंजरी से हो गई। रघुवीर सहाय जी से मेरी पहली मुलाकात 1975 में, जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, वहां पर हुई। पर उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि रघुवीर जी जो है बाद में मेरे ससुर बनेंगे। रघुवीर जी ने की आदत थी, वो हर व्यक्ति से
जो उसके अंदर मैक्सिमम है उसको निकलवा लेते थे। तो उन्होंने बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ें जानी मेरे से, तो उसी में उनको जब पता लगा कि मैं अनुवाद करता हूँ, तो उन्होंने मेरी जो कविताएँ थी वो मांगी और उसको आज की कविता करके दिनमान में एक स्तंभ वो छापते थे हमेशा। उसमें उन्होंने मेरी विदेशी कवियों की कुछ कविताओं के अनुवाद छापे, तो वो जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर सकते थे वहाँ वो हर किसी का व्यक्त करते थे, केवल मेरा नहीं। और केवल इसलिए नहीं कि मैं उनका दामाद बनने वाला था, उनके अंदर ये प्रवृत्ति थी एक अच्छे संपादक की जो प्रवृत्ति है। तो मुझे यह गौरव मिला कि एक इतने बड़े संपादक के साथ मैंने बहुत सारे जीवन के पल बिताए जो औपचारिक भी थे अनौपचारिक भी थे। प्रोफेसर जोशी ने IIMC में एक लंबा वक्त गुजारा है। ये संस्थान उनके अनुभवों से खूब समृद्ध हुआ है। उनके मार्गदर्शन में पत्रकारों की कई पीढ़ियां यहां तैयार हुई हैं, जो आज देश में चौथे खंभे की ताकत बहा रही हैं। वो सबको साथ लेकर चलते हैं, जिस बात के मुरीद IIMC में उनके सहयोगी भी हैं। बौद्धिक व्यक्तित्व है और उनसे बात करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, लेकिन जितनी हिंदी पर पकड़ है, साहित्य पर पकड़ है, उतना ही न्यू मीडिया और टेक्नोलॉजी पर भी उनका पकड़ है। तो अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी, विश्व भ्रमण का एक शौक, अक्सर आए दिन वो अपना जो बचत करते हैं ना, उस बचत को कोई आगे के लिए, ये नहीं कि उसको कभी बुढ़ापे में काम आएगा, वो ये समझते हैं कि जब जान है तब जाके घूम के पूरे विश्व को देखिए। मुझे उनका वो एक स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं के कार्यकाल में उर्दू का पूरा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और उर्दू एक अलग ज़ुबान होने के बावजूद उन्होंने उसको संभाला, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का भी एक हमने बाद में मैंने उनको पत्रिका के दायित्व दिया, उसको भी उन्होंने लिया, कभी मना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं, वो बहुत ही एक प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति थे अपने कर्म के प्रति, तो उनकी कमी तो खलेगी संस्थान को। प्रोफेसर हेमंत जोशी हमारे फैकल्टी मेंबरों में से एक बहुत ही फ्रेंडली फैकल्टी मेंबरों में से एक है, और उनका रिटायरमेंट एक तरह से हमारे लिए एक हम एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे दोस्त जैसे व्यक्ति को हम खोएंगे। और जैसे आप जानते हैं, हेमंत जोशी जी का USP फोर्थराइटनेस है। वो हमेशा अपना पक्ष जो होता था उसे बहुत ही वेल रीजन्ड और बहुत ही जोर शोर के साथ सामने रखते थे। तो उनका फोर्थराइटनेस जो है ये मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। प्रोफेसर हेमंत जोशी का व्यक्तित्व एक केवल मिलनसार खुश मिजाज ही नहीं है, बल्कि बौद्धिकता से भरपूर और भाषाई और हिंदी प्रेम से भरपूर रहा है। उनके साथ मुझे हिंदी पत्रकारिता, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के बारे में काफ़ी जानने समझने का मौका मिला। साथ ही इस हिंदी भाषा को और हिंदी दुनिया की समझ को पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे उतारा जा सकता है, ये भी उससे उनसे हमें काफ़ी सीखने को मिला। साथ ही हेमंत जोशी को मैं एक लेखक और विचारक के रूप में भी जानता हूँ। उनकी किताब एसर्टिंग वॉइसेस जो उन्होंने संपादित की है, वो मेरे लिए लंबे समय से एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में काम आती रही है। दो ही इज़ हेडिंग द हिंदी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, बट आई मस्ट टेल यू दैट ही इज़ एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश एज वेल। He tried to do the same with me and, you know, make me an expert of Hindi also. So he assigned me different subjects to teach in Hindi journalism in all these years that I have taught here. I must admit that, you know, when I joined here at IMC, I was told that he's a very strict person. Gradually realized that, you know, he's a very soft-hearted person and he understands, and he's the one who will never compromise with the quality of work, with the ethics, and he's always stood up for various things at in IMC, and I really like him for that. IIMC के छात्र भी खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें प्रोफेसर जोशी जैसा शिक्षक और मार्गदर्शक मिला। जोशी सर का सरल एवं सहज स्वभाव जो था वो मुझे काफी
अट्रैक्ट करता था उनकी तरफ, तो मैं कभी भी अगर उनको कोई भी दिक्कत हुई, मुझे कुछ भी अगर भाषा में अशुद्धियाँ होती थी, तो वो उनसे अगर पर्सनली आप जाके केबिन में मैं मिलता था तो वो कभी भी आपको एक अच्छे तरीके से बताते थे, कभी इंसल्ट नहीं करते थे। जब हमने कक्षाएं शुरू की और जब हेमंत जोशी सर ने हम लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तब उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमें लगता था कि मुझे जीवन में पहले से कुछ मालूम ही नहीं था, तो उनके ज्ञान से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ। हिंदी उर्दू सभी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ एक तरह से बर्ताव करते थे, और उनका ये कहना था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आके हमसे मिल सकते हैं, हम हर मुश्किल को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर जोशी बहुत ही वाइडली रेड प्रोफेसर हैं, जैसे फ्रेंच लिटरेचर के बारे में उनकी पढ़ाई है, उन्होंने पढ़ाई की है और उस पर बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन उन्होंने अनुवाद की भी पढ़ाई की है, वो भाषा विज्ञान के भी बहुत बड़े जानकार हैं, वो ट्रांसलेशन के भी बहुत बड़े जानकार हैं, पत्रकारिता में वो काम कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके ज्ञान के दायरे को बहुत विस्तृत करती हैं, और ऐसे बहुत कम प्रोफेसर हैं जर्नलिज्म में या टीचर जो इतनी सारी चीज़ों को लेकर एक साथ आते हैं पत्रकारिता पढ़ाने के लिए। जनसंचार के क्षेत्र में प्रोफेसर जोशी का नाम और काम किसी परिचय का मोहताज नहीं। 65 साल की उम्र में भी प्रोफेसर जोशी ऊर्जा से उतने ही लबरेज हैं जितना वे पहली बार JNU से आने के वक्त थे। भविष्य में उनकी कई योजनाएं हैं। जाहिर है कि अपनी आदत के मुताबिक प्रोफेसर हेमंत जोशी इस बार भी कुछ नया ही करेंगे। जीवन को मैं एक समुद्र की तरह मानता हूँ, और मुझे एक फिल्म की याद आती है, पापियों करके एक फिल्म थी, उसमें जो एक उसका जो नायक है वो भागता है, ड्रिफ्टर है वो, और जीवन स्वयं में जो है वो एक तरह का टापू है, और उसी टापू और जो जीवन बाहर का है उसके बीच में हम लोग या तो स्थिर हो जाते हैं या भागते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक पड़ाव पूरा हुआ मेरा, इसके बाद बहुत सारी दिशाएं हैं, थोड़ा तो मैं अपनी मर्जी से जाने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा बहुत अगर बहाव कहीं ले गया तो वहां जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, और वो तो श्रृंखला कभी समाप्ति नहीं होती किसी व्यक्ति के लिए, तो किताबें लिखना है, शोध पत्र लिखने हैं, और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे जीवन का छूट गया इस पूरी जीवन की आपाधापी में, वो है कविताएं, कविता का जो जगत है उसमें, और अच्छा भी हुआ, कविता या उपन्यास जो शैलियां हैं मेरी वो मैं इसलिए भी पहले नहीं करना चाहता था कि जब तक आपने जीवन को जिया नहीं तब तक आप जीवन के बारे में बातें कैसे करेंगे, तो अब एक पूरा जीवन जी चुका हूँ, तो संभवतः अगर कुछ लिखूँगा तो लोगों के लिए लाभदायक होगा, यही आगे की राह है। खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं।